विश्वनाथ दादा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि और मेरे गुरु गोरखनाथ जी के साक्षीकरण के रूप में आपका आगमन। संपूर्ण भारत देश में अगर सनातन धर्म और बहुत बहुत साधुता के साथ में ये अभ्यास की, आपको बहुत बहुत बाबा के गोरक्षपीठ को नमन करती है और यही कामना करती है कि संपूर्ण भारत में हमारा सनातन धर्म ऐसे ही जागृत हो। माँ पार्वती जी को लेकर ये काशी की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर क्यों आए, कैलाश से क्यों पहुंचे? पार्वती, इस भूमि का नजारा का दर्शन करिए, ऐसा भर विशाल भूमि नहीं है पार्वती, इसके केवल एक दर्शन मात्र जीव के सारे पापों को क्षीण कर देता है। अभी आपको वर्णन करा कि मात्र शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और एक बार विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर मात्र आ जाने पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल इस भूमि तक आने पर ही प्राप्ति होती है। ऐसी पवित्र भूमि है विश्वनाथ बाबा की। हमारे बीच में माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने पताका फहराई है, वास्तवता है कि पूरे देश को दिखा दिया कि सनातन धर्म की एक झलक कैसी होती है। मैं माननीय जी से निवेदन करूँगा, आपका आशीर्वचन संपूर्ण लाखों शिव भक्तों तक पहुंचे, उसके लिए जोरदार आमंत्रित करते हैं। पवित्र व्यास की पर विराजमान पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जगद्गुरु महामंडलेश्वर श्री सत्वा बाबा संतोष दास जी महाराज, हमारे सभी पूज्य संतजन, इस पावन कथा में उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और लाखों की संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर और मां गंगा के इस पावन तट पर से महापुराण की इस पावन कथा और श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले कथा व्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और श्रद्धालुजनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक यानी पूष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज की पावन धरती पर
दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है और उससे ठीक पहले काशी की धरती पर इस पावन कथा के माध्यम से इस कुंभ का दर्शन हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस अनुशासन के साथ और जिस श्रद्धा भाव के साथ आप सभी इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं तो मैं आप सबका भी सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दोनों प्रकार से, भगवान शिव का भक्त होने के नाते भी, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते भी, और उत्तर प्रदेश का दायित्व तो भी मेरे पास है। उत्तर प्रदेश में पावन कथा का आयोजन हो रहा है तो इस दृश्य भी मैं अभिभूत हूं। इस सब दृश्य देखकर मुझे पहले से पता था, मुझे याद है कब वहां पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा हापुड़ में होने वाली थी, तो अचानक वहां के प्रशासन ने कथा के आयोजन को निरस्त कर दिया। मुझे शाम को जानकारी मिली, मैंने कहा ये कथा के आयोजन को क्यों निरस्त किया गया? कहा साहब भीड़ ज्यादा हो सकती है। मैंने कहा उनकी कथा की तो चर्चा ही इस बात के लिए होती है कि वहां हजार में नहीं लाखों में गिनती होती है, लाखों में। लेकिन वे सभी श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं। और परम भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह